हेलो जी, नमस्कार। आज का वीडियो बड़ा ज़रूरी वीडियो है। अगर आप लोगों को हारमोनियम बजाना सीखना है, या पियानो बजाना सीखना है, या कीबोर्ड बजाना सीखना है। देखिए, गाना बजाने के लिए सबसे पहली चीज़ है कि आपके फिंगर्स चलने चाहिए, क्योंकि कुछ गाने फास्ट होते हैं, कुछ गाने स्लो होते हैं। अक्सर लोग फास्ट गानों में फंसते इसीलिए क्योंकि वो शुरुआत में फिंगर्स की प्रैक्टिस नहीं करते, फिंगर्स मूवमेंट की प्रैक्टिस नहीं करते। यही चीज़ें आगे चल के आपको एडवांस हारमोनियम प्लेयर या एडवांस कीबोर्ड प्लेयर बनाते हैं। सो आज हम इस वीडियो में पहली एक्सरसाइज सीखेंगे जिसमें आपको दोनों हाथों से ही एक्सरसाइज बजाना सिखाऊंगा, यानी कि लेफ्ट हैंड प्लेयर जो लेफ्ट हैंड हारमोनियम प्लेयर या कीबोर्ड प्लेयर वो भी बजा सकेंगे, जो राइट हैंड कीबोर्ड और लेफ्ट हैंड कीबोर्ड प्लेयर तो वो भी बजा सकेंगे। पहली एक्सरसाइज शुरू करेंगे हम, बिल्कुल एकदम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, एकदम जैसे बच्चे को शुरू करवाते हैं ना कोई चीज सिखाना, तो सेम उसी तरीके से हमारा पहला लेसन है फिंगर एक्सरसाइज के ऊपर, जिसमें हम पहली एक्सरसाइज सीखेंगे। तो पहली एक्सरसाइज के जो नोटेशन है आपको वीडियो में दिख ही रही है कि इसके अंदर सिंपल हम सारे गामा पादा निशा बजाना सीखेंगे। सबसे पहले आप लोग फिंगर्स को पैटर्न को समझिए। यहाँ पे आपको राइट हैंड के फिंगर पैटर्न दिख रहे हैं, सो जिसमें अंगूठे को मैंने टी बोला है और पहली उंगली है जो इंडेक्स फिंगर है, मिडिल फिंगर को 2 नंबर, रिंग फिंगर को 3 नंबर और लिटिल फिंगर को 4 नंबर। ठीक है, सेम एज इट इज उस स्वर के नीचे जो जो जैसे मान के लिए सा है, ठीक है, अगर मैं राइट हैंड का फिंगर दिखा रहा हूं तो सा के नीचे देखिए 1 लिखा हुआ, तो मतलब कि सा को बजाने के लिए 1 नंबर उंगली का यूज होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको दिख रहा है रे के नीचे 2 नंबर लिखा, तो 2 नंबर मतलब कि उसको बजाने के लिए 2 नंबर उंगली यूज हो। इसीलिए हर एक एक्सरसाइज का आपको फिंगर पैटर्न नीचे मेंशन है। अभी लेफ्ट हैंड का लिए भी देख लिए, लेफ्ट हैंड के लिए भी फिंगर पैटर्न मेंशन है। इस तरीके से आप लेफ्ट हैंड से, जो लेफ्ट हैंड से बजाते हैं तो लेफ्ट हैंड से बजा सकते हैं। चलिए अभी यही चीज हम लोग लाइव देखते हैं कि लाइव हम कैसे बजाएंगे। सबसे पहले मैं राइट हैंड के लिए बजा रहा हूं, तो सा को बजाने के लिए हम लोग पहली उंगली का यूज करेंगे, रे को बजाने के लिए 2 उंगली, गा को बजाने के लिए अंगूठा, मा के लिए पहली उंगली, पा के लिए 2 फिंगर, धा के लिए रिंग फिंगर, नी के लिए अंगूठा और ता सप्तक सा के लिए पहली उंगली। सो ये आपका आर हो गया। सेम इसी तरीके से वापस आएंगे, सा नी धा पा मा गा रे सा, इस तरीके से ये हमारा फिंगर पैटर्न रहेगा। अभी आपको क्या करना है, कम से कम इस एक्सरसाइज को 20 से 50 बार एक ही स्पीड में बजाइए। जैसे कि मैं अगर बजा के दिखा रहा तरीके से आप 20 से 30 बार बजाइए। ठीक है, जब हाथ बैठ जाए तो फिर इसकी स्पीड बढ़ा दीजिए, यानी कि थोड़ी और स्पीड बजाइए, बढ़ा के बजाइए, जैसे कि फिर और स्पीड बढ़ाइए, जितना इसको बार बार बजाते रहिए, मतलब जितना फास्ट कर सकते इसको फास्ट करिए। चलिए इस तरीके से आपको ये प्रैक्टिस करना है। अभी लेफ्ट हैंड के लिए देखिए, जो लोग लेफ्ट हैंडेड हैं क्योंकि वो कंप्लेन करते रहते हैं कि मैं हमेशा राइट हैंडेड के लिए एक्सरसाइज बजाता हूं, मैं अभी लेफ्ट हैंड के लिए भी बता रहा हूं। देखिए, लेफ्ट हैंड शुरू करेंगे मिडिल उंगली से, यानी कि 2 नंबर से, सा रे गा मा पा धा नी सा, फिर वापिस सा नी धा पा मा गा रे सा, एक और देख लीजिए, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। ये ओके लेफ्ट हैंड के लिए। जब एक बार हाथ बैठ जाए फिर इसको धीरे धीरे फास्ट करिए। धीरे धीरे जितना फास्ट कर सकते हैं इस एक्सरसाइज को फास्ट करिए। तो मैंने इस एक्सरसाइज में दोनों हाथों के लिए, यानी कि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड के लिए, दोनों के लिए मैं आपको फर्स्ट एक्सरसाइज दी है। अभी आप इस चीज को प्रैक्टिस करिए, कम से कम एक एक्सरसाइज को कम से कम 50 बार बजाइए अलग अलग स्पीड में, यानी कि स्लो स्पीड में, मीडियम स्पीड में और फास्ट स्पीड में। ठीक है, सेम एज लेफ्ट हैंड वाले भी, पहले स्लो स्पीड, मीडियम स्पीड एंड देन फास्ट स्पीड। इस तरीके से आप अपनी एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करिए और कल फिर मैं आपको नया वीडियो लेके, यानी कि दूसरा लेसन लेके फिर आप लोगों के लिए फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिए। धन्यवाद।